हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी और सबसे आसान तरीके से चॉकलेट केक बिना अवन हम कुकर में ही बनाएंगे। साथ ही हम बनाएंगे चॉकलेटी गनास, वो भी बिना किसी क्रीम और चॉकलेट के। तो आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बॉल रखेंगे और यहाँ मैंने 50 ग्राम रिफाइंड तेल लिए हैं, जो इस छोटी कप से 2 कप है। कोई भी तेल यूज कर सकते हैं आप, पर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला तेल मत यूज कीजिएगा, जैसा सरसों का तेल वो हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। अब साथ ही हम दही डालेंगे जो 100 ग्राम है। अब हम यहाँ चीनी का पाउडर लिए हैं जो है 150 ग्राम। चीनी को हम ग्राइंड कर लिए थे पहले से। अब इन तीनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तब तक जब तक ये मिक्सर एकदम क्रीमी ना हो जाए। तो यहाँ अच्छे से मिक्स किए हैं मैंने। अब हम बॉल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे और यहाँ मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम मैदा। साथ ही हम 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। अब हम डालेंगे 1 चम्मच कोको पाउडर, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और फ्लेवर के लिए 1 चम्मच इलायची का पाउडर। अब हम इन सारी चीजों को छान लेंगे जिससे इसमें कोई गुठलियां ना रहे। देखिए कितनी गुठलियां है जो छानने से निकल आई है। अब हम इसमें चुटकी भर नमक छिड़क देंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है इसे बनाना, इस केक को बनाना बिल्कुल बेकरी जैसा बनेगी। यहाँ मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इस छोटी कप से 1 कप दूध डालकर इसे वापस मिक्स करेंगे। एक अच्छा स्मूथ बैटर तैयार करना है। यहाँ बैटर तैयार है, देखिए। अब हम एक केक टिन लेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। यहाँ मैंने कोई बटर पेपर नहीं लगाएंगे, देखिएगा फिर भी केक बहुत अच्छे से निकल आएगी। अब हम केक टिन में बैटर डालेंगे, तो देखिए केक का बैटर ऐसा होना चाहिए, एकदम स्मूथ रिबन की तरह गिर रही है। अब हम केक टिन को हल्के हाथों से टच करेंगे जिससे इसके अंदर जो भी थोड़ा सा गैस है बाहर निकल जाए, अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ 5 मिनट पहले ही मैं कुकर को हीट करने के लिए रखी। अब हम केक टिन को रखेंगे, इसे ढक देंगे और इसके जो छेद है इसे हम बंद कर दिए। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम में हम इसे 40 मिनट पकने देंगे। 40 मिनट बाद देखिए केक बहुत अच्छे से फूल गया है। अब टूथपिक से चेक करेंगे, टूथपिक बिल्कुल क्लियर है। अगर आपका टूथपिक थोड़ा गीली लगे तो आप थोड़ी देर और केक को पका लीजिएगा। अब केक को निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। तब तक हम चॉकलेट गनास बना लेंगे। इसके लिए इस छोटी वाली कप से थोड़ी कम 1 कप कोको पाउडर लेंगे, इसी कप से 1 कप कॉर्नफ्लोर लेंगे और 1 कप चीनी का पाउडर लेंगे। अब हम सूखे में ही इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे और यहाँ मैंने लिए हैं 1 कप दूध डालकर मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे कहीं कोई गुठली ना रहे। वापस दूध डालेंगे, यहाँ इसमें पूरी 1 कप दूध लगी है जो 200 ग्राम है। वापस मिक्स करें, यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, कहीं कोई लम्स नहीं है। अब हम इसे पका लेंगे, लो फ्लेम में पकाना है। कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक इसमें थिक ना आ जाए, इसे चलाते रहें ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। देखिएगा 3-4 मिनट में ही इसमें थिक आ जाएगी, इसमें थिक आ गई है। अगर आपको पकाते पकाते ज्यादा थिक हो जाए तो आप और थोड़ा दूध मिला सकते हैं। यहाँ हम हल्का सा लिक्विड ही रखे हैं। ये लीजिए, यहाँ बिना चॉकलेट से ही हो गया तैयार गनाश। अब थोड़ा ठंडा होने देंगे, यहाँ केक भी ठंडा हो चुका है। अब हम चाकू की मदद से चारों ओर से हटा लेंगे और इसे प्लेट में रखकर पलट लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल आएगी। जालीदार केक बना है, बहुत ही स्पॉन्जी बढ़िया केक बना है, देख सकते हैं आप।
अब हम नीचे प्लेट को रखेंगे और स्टैंड रखेंगे, इसके ऊपर गनाश गिरेगा, वो प्लेट में ही गिरेगी। और यहाँ गनाश ठंडा हो चुका है, अब हम गनाश को डाल देंगे केक के ऊपर। तो देखिए कितना लजीज लग रहा है ना, अब ये पूरी केक को कवर कर लेगा। तो है ना बहुत ही आसान चॉकलेट केक बनाना। अब इसके ऊपर आप अपनी मर्जी से गार्निशिंग कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा बादाम को मिक्सर में ग्राइंड कर लिए हैं, इसके चारों ओर से थोड़ा गार्निश करेंगे जो देखने में भी और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। बीच में एक काजू का पीसेस डाल देंगे और इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटे बाद तो लीजिए यहाँ बहुत ही बढ़िया केक बनकर रेडी है। मैं काट कर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार चॉकलेटी केक बना है, बिना क्रीम बिना चॉकलेट की। बहुत ही आसान है इस केक को बनाना। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए। तो हम फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।